नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंग के निर्माण के लिए हो रहे धमाकों से रानीगढ़ पट्टी के मरोड़ा गांव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। गांव में घरों से लेकर खेत और गौशालाएं तक दरारों से पट गई हैं, जो कभी भी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकती है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने जिस इलाके में वारदात को अंजाम दिया वो अति संवेदनशील गांव माना जाता है। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोकसभा ने सोमवार को निर्वाचन निधि संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया है। भारत बायोटेक ने अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई को फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल करने का आवेदन दिया है, जो कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाकरण वाले लोगों को दिया जा सकता है। भारत बायोटेक ने दलील दी है कि इंट्रानेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर दिया जा सकेगा। रूस से पहली S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच गई है। साल 2022 में इसकी तैनाती देश के उत्तरी क्षेत्र में करने की संभावना है, जहां से ये चीन के साथ पाकिस्तान की तरफ से भी किसी भी तरह का हवाई हमला रोककर देश की सुरक्षा कर सकेगी। S-400 की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में 16 नवजात बच्चों को डेक्स्ट्रोमेथोन कफ सिरप दे दी गई, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि नियम के मुताबिक 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नहीं दी जा सकती है। दिल्ली सरकार ने इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी 3 डॉक्टरों को बर्खास्त कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ग्रेटर नोएडा से 10 लाख लोगों का 15 साल से गंगा जल मिलने का इंतजार नए साल में खत्म हो जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे से पाइपलाइन को पार कराने का काम रुक गया था, लेकिन अब इस काम को पूरा कर लिया गया है। गंगाजल की सभी पाइपलाइन जोड़ दी गई हैं। देहरा स्थित प्लांट से टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, फाइनल जांच भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। पवित्र धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों में दोषियों को सख्त सजा देने के लिए पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है कि पंजाब विधानसभा द्वारा पारित बिलों को मंजूरी दी जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन कानपुर जेल में बंद दस्यु सुंदरी सीमा यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सीमा ने घोषणा की है कि वो जेल से ही कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसे देखते हुए कई राज्यों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। गुजरात सरकार ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए सोमवार रात से नाइट कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। राज्य के 8 शहरों में ये पाबंदियां अगले 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। तो देश प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।